Hello students, welcome to CR International School online classes, class 8 subject Hindi. आज हम अपनी हिंदी क्लास में बेटा अपना चैप्टर नंबर 5 नई समस्याएं जो हमारा कंटिन्यू चल रहा है कंटिन्यूशन में जो है उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं. पेज नंबर 84 हाफ से लेकर और लास्ट पेज हमारा 91 आज हम यहाँ तक रीडिंग लगाते हैं. इट मीन्स इस चैप्टर की आज हम रीडिंग को कम्प्लीट कर लेंगे. देखिए बेटा पेज नंबर 84 से हाफ से लेकर आज हम रीडिंग शुरू कर रहे हैं. यहाँ पर आपकी हेडिंग आ रही है, औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार शिवाजी. औरंगजेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था. अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया. यानी कि जो औरंगजेब था उसके जो पूर्वज थे उसके जो बड़े थे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे, लेकिन उनके कामों पर पानी फेरने का, यानी कि वो अच्छे थे और ये बुरे काम कर उनके सारे अच्छे किए हुए कार्यों पर पानी फेर रहा था, यानी कि उनको उनकी जो महत्वता को जो है समाप्त कर रहा था. वह धर्मांध और कठोर नैतिक वादी था. उसे कला या साहित्य से कोई प्रेम नहीं था. हिंदुओं पर पुराना घृणित जजिया कर लगाकर और उनके बहुत से मंदिरों को तुड़वाकर उसने अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज कर दिया. उसने उन अभिमानी राजपूतों को भी नाराज कर दिया जो मुगल साम्राज्य के अवलंब और स्तंभ थे. उत्तर में सिख उठ खड़े हुए वे हिंदू और मुस्लिम विचारों का किसी हद तक समन्वय करने वाले शांतिप्रिय समुदाय के प्रतिनिधि थे जो दमन और अत्याचार के विरुद्ध एक सैनिक बिरादरी के रूप में संगठित हो गए. भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर उसने प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज लड़ाकू मराठों को क्रुद्ध कर दिया. ठीक ऐसे समय जब उनके बीच एक अद्भुत सेनानायक उठ खड़ा हुआ था. मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों में उत्तेजना फैल गई और पुनर्जागरणवादी विचार पनपने लगा जिसमें धर्म और राष्ट्रवाद का मेल था. वह आधुनिक युग जैसा धर्मनिरपेक्ष ढंग का राष्ट्रवाद नहीं था, न ही इसकी व्याप्ति पूरे भारत में थी. धर्म और राष्ट्रीयता के मेल ने दोनों ही तत्वों से शक्ति और संबद्धता हासिल की, लेकिन उसकी कमजोरी भी इसी मेल से पैदा हुई थी. यह केवल खास किस्म की और आंशिक होती बेटा, बहुत थोड़ी राष्ट्रीयता थी जिसमें धर्म के क्षेत्र बाहर पड़ने वाले तमाम भारतीय तत्वों का समावेश नहीं था. हिंदू राष्ट्रवाद उस व्यापक राष्ट्रीयतावाद के मार्ग में बाधक था जो धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठ जाती है. विशेषकर मराठों की अवधारणा व्यापक थी और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी और उनके साथ इस अवधारणा का भी विकास हुआ. 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था, हिंदुस्तान और दक्षिण के तमाम लोगों में से केवल मराठों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना है जिसकी गहरी छाप राष्ट्र के हर व्यक्ति के मन पर है. मराठे अपनी राजनीतिक और सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थे और उनके भीतर लोकतांत्रिक भावना थी. इससे उन्हें शक्ति मिलती थी. शिवाजी औरंगजेब से लड़ा जरूर था, उसने मुसलमानों को खुलकर नौकरियां दी. मुसलमान मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण कारण आर्थिक ढांचे का चरमराना था. चरमराना मतलब चरमराने का दो सेंस हो सकती है बेटा, एक तो बहुत उन्नति करना और एक बहुत ही अवनति करना, मतलब नीचे आ जाना या बहुत ऊपर उठ जाना. किसान बार बार विद्रोह करते थे, इनमें से कुछ आंदोलन बड़े पैमाने पर हुए. 1669 ईस्वी के बाद जाट किसान जो राजधानी से बहुत दूर नहीं थे बार बार दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़े होते रहे. गरीब लोगों का एक अन्य विद्रोह सतनामियों का था.
उस समय जब साम्राज्यवाद में फूट और बगावत फैली हुई थी, पश्चिमी भारत में नई मराठा शक्ति विकास कर रही थी और अपने को मजबूत कर रही थी। शिवाजी, जिनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, पहाड़ी इलाकों के सख्त जान लोगों के आदर्श छापामार नेता थे। उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापे मारते थे। उन्होंने सूरत को, जहां अंग्रेजों की कोठियां थी, लूटा और मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों पर चोथ कर लगाया। उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली संगठित फौजी दल का रूप दिया। उन्हें राष्ट्रीयतावादी पृष्ठभूमि प्रदान की और दुर्जेय शक्ति का रूप दिया। 1680 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन मराठा शक्ति तब तक बढ़ती गई जब तक भारत पर उसका प्रभुत्व नहीं हो गया। अब अगली हेडिंग आ रही है बेटा यहाँ पर, प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष। प्रभुत्व क्या होता है बेटा? शासन, अपनी शक्ति जमाना, ये सब है। तो इन अपने प्रभुत्व के लिए अंग्रेजों और मराठों के बीच जो संघर्ष हुआ वो देखिए क्या था। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 100 वर्ष तक भारत पर अधिकार करने के लिए विविध रूपों में संघर्ष चलता रहा। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के 4 दावेदार थे। इनमें से भारतीय मराठा थे और दक्षिण में हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान विदेशी थे। फ्रांसीसी और अंग्रेज सदी के पूर्वार्ध में लगभग निश्चित जान पड़ता था कि मराठे पूरे भारतवर्ष पर अपनी हुकूमत कायम कर लेंगे और मुगल शासन के उत्तराधिकारी होंगे। कोई शक्ति इतनी मजबूत नहीं रह गई थी कि उनका सामना कर सके। ठीक उसी समय उत्तर पश्चिम में एक नया बवंडर उठ खड़ा हुआ और ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर टूट पड़ा। उसने बड़ी मारकाट और लूटपाट मचाई और अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया, जिसमें प्रसिद्ध तख्ते ताऊत भी था। दिल्ली के शासक कमजोर और नपुंसक हो चुके थे और मराठों से नादिरशाह की टकराहट नहीं हुई। उसके हमले से मराठों का काम आसान हो गया। वे बाद के वर्षों में पंजाब में फैल गए। एक बार फिर ऐसा लगा कि भारत मराठों के अधीन हो जाएगा। नादिरशाह के आक्रमण दिल्ली के मुगल शासकों का अधिकार और राज्य का रहा सहा दावा भी खत्म हो गया। जिस किसी के पास उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति होती, वे उसी के हाथ की कठपुतली भर रह जाते। नादिरशाह के आने से पहले ही उनकी यह हालत हो चुकी थी। उसने इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया। फिर भी चले आते रिवाजों के दबाव के कारण अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे लोग भी उनके पास प्लासी की लड़ाई से पहले तक उपहार और कर्ज भेजते रहे। बाद में भी लंबे समय तक इस कंपनी दिल्ली के उस बादशाह के एजेंट के रूप में काम करती रही, जिसके नाम के सिक्के 1835 ईस्वी तक चलते रहे। नादिरशाह के हमले का दूसरा परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। अफगानिस्तान, जो बहुत लंबे समय से भारत का हिस्सा था, उसे कट कर अब नादिरशाह के राज्य का हिस्सा बन गया। बंगाल में जालसाजी और बगावत को बढ़ावा देकर क्लाइव ने थोड़े से प्रयास से सन 1757 में प्लासी का युद्ध जीत लिया। इस तारीख से कभी कभी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की शुरुआत मानी जाती है। किस तारीख से बेटा? 1857 में, ठीक है। जल्दी ही पूरा बंगाल और बिहार अंग्रेजों के हाथ आ गया। इनके शासन की शुरुआत के साथ ही 1770 ईस्वी में इन दोनों सूबों में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे इस घनी आबादी वाले इलाके में एक तिहाई से अधिक आबादी नष्ट हो गई। दक्षिण में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष, जो विश्वव्यापी युद्ध का ही एक हिस्सा था, अंग्रेजों की विजय में समाप्त हुआ और भारत से फ्रांसीसी का लगभग नामोनिशान मिट गया। फ्रांसीसियों ने भारत से हट जाने के बाद तीन ताकतें बाकी रह गई,
जो अधिकार के संघर्ष अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। मराठा संगठन दक्षिण में हैदर अली और अंग्रेज, ये तीन शक्तियां थी जो कि बाकी जो शक्तियां थी वो समाप्त हो गई थी। अब ये तीन शक्तियां ही जो है आपस में लड़ती रही, कौन सी थी, मराठा और दक्षिण में हैदर अली और अंग्रेज। ये मराठा ये क्या हो गए, ये मराठा, ये मुसलमान और ये अंग्रेज, इस तरह से ये तीनों लड़ते रहे। प्लासी में उनकी जीत और बंगाल और बिहार में फैलने के बावजूद भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी जो अंग्रेजों को ऐसी शक्ति के रूप में देखते हों जिनकी नियति में पूरे भारत पर राज्य करना हो। अब भी सबसे पहले स्थान मराठों को ही दिया जाता था। वे सारे पश्चिम और मध्य भारत में यहाँ तक कि दिल्ली तक फैले हुए थे और उनका साहस और युद्ध करने की योग्यता प्रसिद्ध थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान भी विकट विरोधी थे जिन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था, पर वे दक्षिण तक सीमित रहे और पूरे भारत पर उनका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा। हैदर अली एक अद्भुत व्यक्ति और भारतीय इतिहास के उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। उसका आदर्श किसी हद तक राष्ट्रीय था और उनमें कल्पनाशील नेता के गुण थे। मैसूर के टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने अंततः 1799 ईस्वी में पराजित कर दिया और इस तरह मराठों और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो गया। अब किस किस का हो गया, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठे। अब यहाँ से कौन हट गया, टीपू सुल्तान हट गया यानी कि मुसलमान हट गए। अब कौन बच गए, मराठे और अंग्रेज बच गए, ठीक है। लेकिन मराठा सरदारों के बीच आपसी वैर था और अंग्रेजों ने उनसे अलग अलग युद्ध करके उन्हें पराजित कर दिया। उन्होंने 1804 ईस्वी में आगरा के पास अंग्रेजों को बुरी तरह हराया, लेकिन 1818 ईस्वी तक आते आते मराठा शक्ति अंतिम रूप से कुचल दी गई और इन बड़े सरदारों ने जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली। अंग्रेज इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक हो गए और वे देश पर सीधे या फिर अपने अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से शासन करने लगे। हमें बार बार यह याद दिलाया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को अव्यवस्था और अराजकता से बचाया। यह बात इस हद तक सही है कि उन्होंने इस युग के बाद जिसे मराठों ने आतंक का युग कहा है सुव्यवस्थित शासन कायम किया, लेकिन यह अव्यवस्था और अराजकता कुछ दूर तक ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उनके प्रतिनिधियों की नीति के कारण ही फैली थी। यह कल्पना भी की जा सकती है कि अंग्रेजों की सहायता के बिना भी संघर्ष और समाप्ति के बाद शांति और व्यवस्थित शासन की स्थापना हो ही सकती थी। अगली हेडिंग आती है बेटा, रणजीत सिंह और जय सिंह। आतंक के इस दौर में जनता सामान्यतः त्रस्त और पस्त जरूर थी, पर अनेक व्यक्ति ऐसे अवश्य रहे होंगे जो उस समय सक्रिय नई शक्तियों को समझना चाहते होंगे, लेकिन घटनाओं की बाढ़ ने उन्हें दबा दिया और उनका कोई प्रभाव न पड़ा। ऐसे व्यक्तियों में जिनमें जिज्ञासा भरी हुई थी महाराजा रणजीत सिंह थे। वे जाट सिख थे जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया था। बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। अपनी कमजोरियों के बावजूद वह एक अद्भुत व्यक्ति था, वह अत्यंत मानवीय था। उसने एक राज्य और शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, फिर भी वह खून खराबा पसंद नहीं करता था। जब इंग्लैंड में छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी मौत की सजा भोगनी पड़ती थी, उसने मौत की सजा बंद कर दी चाहे जुर्म कितना ही बड़ा हो। युद्ध के सिवा उसने कभी किसी की जान नहीं ली, गरचे उनकी जान लेने की कोशिश एकाध बार की गई। उनका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था। एक दूसरा पर कुछ और ही ढंग का भारतीय राजनेता राजपूताने में जयपुर का सवाई जयसिंह था।
उसका समय कुछ और पहले था और उसकी मृत्यु 1743 ईस्वी में हुई थी। वह औरंगजेब की मृत्यु के बाद होने वाली उथल पुथल के समय हुआ था। वह इतना चतुर और अवसरवादी था कि एक के बाद एक लगने वाले धक्कों और परिवर्तनों के बावजूद बचा रहा। वह बहादुर योद्धा और कुशल राजनायक था, नायक तो था ही, इससे बढ़कर वह गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी और नगर निर्माण करने वाला था और उसकी दिलचस्पी इतिहास के अध्ययन में भी थी। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वैद्यशालाएं बनाई। उसने जयपुर नगर बसाया। उसने किसने बसाया बेटा, ये किसने बसाया बेटा, जयसिंह ने, ठीक है। उसने उस समय के कई यूरोपीय नगरों के नक्शे इकट्ठे किए और फिर अपना नक्शा खुद बनाया। इन पुराने यूरोपीय नगरों के कई नक्शे जयपुर के अजायब घर में सुरक्षित हैं। जयपुर नगर की योजना को अब भी नगर निर्माण का आदर्श समझा जाता है। लगातार युद्धों और दरबारी षड्यंत्र के बीच अक्सर युद्ध उलझे रहने पर भी जयसिंह ने बहुत कुछ किया। जयसिंह की मृत्यु के केवल 4 वर्ष पहले नादिर शाह का आक्रमण हुआ। भारतीय इतिहास के सबसे अधिक अंधकारमय युग में जब उथल पुथल युद्ध और उपद्रवों से माहौल भरा था, राजपुताना के ठेठ सामंती वातावरण में जयसिंह ने वैज्ञानिक की तरह उठकर काम किया। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगली हेडिंग आती है बेटा, भारत की आर्थिक पृष्ठभूमि, इंग्लैंड के दो रूप। अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम था भारतीय माल लेकर यूरोप में व्यापार करना। कि जब शुरू शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम करने लगी तो उसका मुख्य काम क्या था, कि जो भारत का माल था उसको यूरोप में भेजना था, व्यापार करना। कंपनी को इससे बहुत लाभ हुआ। भारतीय कारीगरों और शिल्पियों की कारीगरी इस स्तर की थी कि वे इंग्लैंड में उत्पादन के उच्चतर तकनीकों का बड़ी सफलता से मुकाबला कर सकते थे। जब इंग्लैंड में मशीनों का युग शुरू हुआ, उस समय भी भारतीय वस्तुएं इतनी बहुतायात से वहां भरी रहती थी कि भारी चुंगी कर लगाकर और कुछ चीजों का तो आना बंद करके रोकना पड़ा। पर यह बात स्पष्ट है कि भारत का अर्थतंत्र चाहे कितना विकसित रहा हो, वह बहुत दिनों तक उन देशों के माल से मुकाबला नहीं कर सकता था जिनका औद्योगीकरण हो चुका था। आवश्यक हो गया था कि या तो वह अपने यहाँ कल कारखाने लगाए या विदेशी आर्थिक घुसपैठ के सामने समर्पण कर दे, जिसका आगे परिणाम होता राजनीतिक हस्तक्षेप। हुआ यह है कि विदेशी राजनीतिक हुकूमत ने यहाँ पहले आकर बड़ी तेजी से उस अर्थतंत्र को नष्ट कर दिया जिसे भारत ने खड़ा किया था, और उसकी जगह कोई निश्चित और रचनात्मक चीज सामने नहीं आई। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण वह धन कमाने पर तुली हुई थी। ठीक उस समय जब वह तेजी से अपार धन कमा रही थी, कौन कमा रही थी बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी। एडम स्मिथ ने 1776 में द वेल्थ ऑफ नेशंस में लिखा, एकमात्र व्यापारियों की कंपनी की सरकार किसी भी देश के लिए सबसे बुरी सरकार है। भारत इंग्लैंड का भारत में आगमन तब हुआ जब 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया। उस समय शेक्सपियर जीवित था और लिख रहा था। 1608 ईस्वी में मिल्टन का जन्म हुआ। उसके बाद हैंपडेन और कॉमवेल सामने आए और राजनीतिक क्रांति हुई। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई जिसने विज्ञान की प्रगति में बहुत हिस्सा लिया। 100 साल बाद बुनने की तेज ढरकी का आविष्कार हुआ और उसके बाद तेजी से एक एक करके कातने की कला, इंजन और मशीन के करघे निकले।
इन दो में से भारत कौन सा इंग्लैंड आया? शेक्सपियर और मिल्टन वाला, शालीन बातों लेखन और बहादुरी के कारनामों वाला, राजनीतिक क्रांति और स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाला, विज्ञान और तकनीक में प्रगति करने वाला, इंग्लैंड या फिर बर्बर दंड संहिता और नृशंस व्यवहार वाला, नृशंस मतलब नरों का संहार करने वाला, वह इंग्लैंड जो सामंतवाद और प्रतिक्रियावाद से घिरा हुआ था। ये इंग्लैंड एक दूसरे को प्रभावित करते हुए साथ साथ चल रहे थे और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी यह हो जाता है कि गलत इंग्लैंड भारत के संपर्क में आकर उसे बढ़ावा दे। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र होने का लगभग समय वही है जो भारत के स्वतंत्रता खोने का समय है। यह सच है कि अमेरिकियों में बहुत से गुण हैं और हम में बहुत सी कमजोरियां हैं। यह भी सच है कि अमेरिका में नई शुरुआत के लिए बिल्कुल अनछुआ और साफ मैदान था, जबकि हम प्राचीन समृत्तियों और परंपराओं में जकड़े हुए थे। फिर भी इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं है कि यदि ब्रिटेन ने भारत में यह बहुत भारी बोझ नहीं उठाया होता, जैसे कि उन्होंने बताया है, और लंबे समय तक हमें स्वराज्य प्राप्त करने की वह कठिन कला नहीं सिखाई होती जिससे हम इतने अनजान थे, तो भारत न केवल अधिक स्वतंत्र और अधिक समृद्ध होता, बल्कि विज्ञान और कला के क्षेत्र में उन सभी बातों में जो जीवन को जीने योग्य बनाती है, उनसे कहीं अधिक प्रगति की होती। अब यहाँ पर कहने का मतलब यह है, भारत जितनी जल्दी स्वतंत्र हो जाता उतना जल्दी विकसित और विकासशील बनता और यहाँ के लोग जो है अपनी जिंदगी को अच्छी तरह गुजार सकते थे, अपनी व्यतीत कर सकते थे। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका पेज नंबर 91 तक रीडिंग का कंप्लीट हो गया है। हम अगली क्लास में इस चैप्टर के शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।